फैसलाबाद से खबर है जहां पर मारूफ गुलूकार जवाद अहमद के इमरान खान के खिलाफ नाजेब अल्फाज। पीटीआई कारकुनान को गुस्सा आ गया, मारूफ गुलूकार जवाद अहमद से माइक छीन लिया और ऑडिटोरियम से बाहर भी निकाल दिया। पीटीआई फैसलाबाद के रहनुमा सरदार नदीम सादिक डोगर के भाई बाबर डोगर ने माइक छीना। नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में नौजवानों के सोशल मीडिया ग्रुप की जानिब से यूथ कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। आरपीओ फैसलाबाद गुलाम महमूद डोगर भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। अपडेट कर रहे हैं आपको, मारूफ गुलूकार जवाद अहमद की जानिब से इमरान खान के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस पर पीटीआई कारकुनान मुश्तइल हो गए। मारूफ गुलूकार जवाद अहमद से माइक छीन लिया गया और ऑडिटोरियम से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। पीटीआई फैसलाबाद के रहनुमा सरदार नदीम सादिक डोगर के भाई बाबर डोगर ने माइक छीना। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी राना अली अब्रार से। राना अली अब्रार, अपडेट कीजिएगा, क्या वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, यहाँ फैसलाबाद के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक सेमिनार मुनक्कद किया गया था, जिसके मेहमान खुसूसी जो हैं वो मशहूर गुलूकार जवाद अहमद इसके मेहमान खुसूसी थे, जहाँ पर जवाद अहमद ने अपनी तकरीर के दरमियान कुछ मुतनाज़ा गुफ्तगू की, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने जवाद अहमद से माइक छीन लिया। ना सिर्फ माइक छीना बल्कि उनको प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया और इस मौका पर जो है वो आरपीओ फैसलाबाद गुलाम महमूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अली अब्रार, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे।